एक खबर आ रही है भारत से, और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं भारत के, पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर हैं, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सही। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। अनवर इब्राहिम जो हैं उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। सबसे पहले एक अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे अच्छा, लिए हाँ। पाकिस्तानियों के लिए। इसके जवाब में आप किस मुल्क से तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान की विजिट करे और क्यों करे? तो देर इज नो रीजन। देखें इस्लामिक कंट्रीज, अब वो जो हमारे अरबी भाई हैं वो भी डिसीजन करते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप रखेंगे तो हमारा फायदा क्या है, आपके पास रिलेशनशिप रखेंगे तो आप कर्जे मांगेंगे। उन्होंने मसला ये है कि वो जमद ही नहीं, साड़ा प्रॉब्लम है ऐसी रुकते ही नहीं। अब सवाल ये कि होने क्या जा रहा है मुस्तकबिल करीब में, क्या दुनिया पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम करेगी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट व्यू। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड लीडर्स हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के इस बौखलाहट या यूं कहें कि पाकिस्तान के जले पे नमक लग गया है इसमें मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के भारत विजिट पे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम को स्वागत किया और उसके बाद अनवर इब्राहिम ने जो बातें कही उससे पाकिस्तानी काफ़ी बौखलाए हुए हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि ये वही मलेशिया है जिसके कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर महातिर के दौर में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस या बहकावे में कहें उम्मा का लीडर बनने चला था और कुछ स्टेटमेंट देकर के भारत के साथ अपने रिश्ते भी बिगाड़े थे। लेकिन उसके फौरन ही बाद मोहम्मद महातिर की सत्ता चली गई और अभी मौजूदा मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भारत के गुणगान गा रहे हैं और भारत में आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कह रहे हैं नमस्कार मोदी जी। वैसे एक फैक्ट यह भी है कि मलेशिया जहाँ पे पहले हिंदू बहुल साम्राज्य था, लेकिन अब मलेशिया एक टोटल इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी मलेशिया अपने कल्चर को जो कि हिंदू से रिलेटेड है उसको कुछ हद तक बरकरार करके रखा हुआ है, जैसे कि मलेशिया की एयरलाइन जिसका नाम गरुड़ा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात खराब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर। मलेशिया के वजीर आजम साहब जो हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर हैं, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सही। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे कि एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं। द क्वेश्चन इज दैट हाउ द वर्ल्ड फास्टली इज चेंजिंग एंड हाउ वी हैव टू कोप अप विद दिस। अब अनवर इब्राहिम जो हैं उन्होंने जो जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। और मजे की बात है दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं आप पूरा बताता हूँ कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वाशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट आई एम वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फील करता है कि आर स्टेचर गेट्स ग्लोबल। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के लिए के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कहाँ आ गया पाकिस्तान, कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा?
इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज बायलैटरल पार्टनरशिप, अच्छी भली बिलियंस ऑफ डॉलर, 40-42-43 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। और मजे की बात है, इंडिया और के वजीर अजम नरेंद्र मोदी कहते हैं जी कि हमारी जो ट्रेड हो रही है वो नेशनल करेंसीज के अंदर हो रही है। तो आप अंदाजा कर लें कि इंडिया बेसिकली हर जगह पे डी डॉलराइजेशन कर रहा है, हर जगह पे डी डॉलर है, लेकिन ना नहीं लेंदा। अब उन्होंने बहुत ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए हैं, और मैं देख रहा था बड़े पैमाने के ऊपर डेलीगेशन आए हुए हैं, और देखें कि वियतनाम के वजीर अजम इंडिया आए थे। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली, सच्ची बात तो ये है, इसको सारा समझना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी को इस चीज की समझ आ कि मलेशिया कितना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। पाकिस्तान के अंदर नहीं ये चीज समझी जाएगी, क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं मजहबी एंगल से, और हम आपको पता है इस चीज को मिस यूज करते हैं, हम इस चीज को मिस यूज करते हैं इस सारी की सारी बात को। एक खबर आ रही है भारत से, और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3-day विजिट पर, और नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं भारत के, पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं एक के बाद एक, वन बाय वन। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। देखिए ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के, ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं, और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते। इसके जवाब में आप किस मुल्क से तवक्को रखते हैं कि वो पाकिस्तान की विजिट करे और क्यों करे? तो देयर इज नो रीजन टू बी ऑनेस्ट और टू बी स्ट्रेट कि कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान में जाए। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क भी नहीं जिसमें आप जाके कोई आर्ट एंड कल्चर एंड कोई ऐसी चीज जो है उसको आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। उन मानों में आप उसको एक तरीके से बिल्कुल ही एक डेड और एक सोया हुआ और एक मरा हुआ जो है वो पोजीशन में देख सकते हैं।